बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स, द इंट्रोडक्शन, फीचर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, दीज आर सीड बेरिंग वास्कुलर प्लांट्स एंड प्लांट्स आर विदाउट फ्लावर्स। दे प्रोड्यूस सीड बट द सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन द ओवरीज। एंड द वर्ड जिम्नोस्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिम्नोस मीन नेकेड एंड स्पर्म मीन सीड। दीज आर एडवांस्ड देन द फर्न्स से ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि फर्न्स में तो सीड्स ही नहीं होते, तो ये उससे जो है वो प्लांट का ये वाला ग्रुप जो है वो एडवांस्ड है। इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइक सीड बेरिंग प्लांट्स हैं बट इसमें फ्लावर्स नहीं होते, इनमें जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, इनक्लोज इन द ओवरीज नहीं होते, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है जो डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स हैव वन इंटेगुमेंट्स, जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो मेगास्पोर्स होते हैं उसके बाहर जो कवरिंग होती है वो दो होती है, टू इंटेगुमेंट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर यूजली विंड पोलिनेटेड प्लांट्स हैं, लीव्स विद थिक क्यूटिकल, और जो क्यूटिकल होती है वो वाटर सेविंग मैकेनिज्म है, वाटर सेव करता है प्लांट्स में। और संकन स्टोमेटा होता है, ये एक अदर मैकेनिज्म है, ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो फैसिलिटेट करते हैं वाटर सेविंग को। सम जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन, जैसे कि पाइन्स जो है वो एवरग्रीन है। इसके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसका हम डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सिक्स हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फूड, एज अ मेडिसिन भी यूज़ होते हैं, जैसे हम इसकी जो प्रीवियस एक क्लास से जिंकोज पढ़ चुके हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके मेडिसिनल यूजेस थे जो लास्ट पे उसके दिए हुए थे, क्योंकि उसका जो फ्रूट होता है वो स्मेली होता है और उसके जो ऊपर पल्प होती है जिस वजह से वो डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ होता है। उसको प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके थे, इस ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, ओवरऑल जनरली भी हम जो उसको डिस्कस करेंगे। ऑर्नामेंटल्स भी होते हैं डेफिनेटली, ये आपको साइकस पाइनस और ये जिंकोस जो हैं वो ऑर्नामेंटल है, और आप इनके यूजेस जो हैं उसमें भी हम देख चुके हैं और फर्दर भी इनको डिस्कस करेंगे। इन इंडस्ट्री में लाइक पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ज़ाहिर है वुड है तो वो बल्ब है तो वो पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, और जो है वो फर्नीचर में और फिर रेलवे स्लीपर में यूज़ होते हैं, तो ये डिफरेंट इसके यूजेज हैं इन इंडस्ट्री। सोर्सेज ऑफ ऑयल, जैसे कि टर्पेंटाइन है, टर्पेंटाइन जो ऑयल है जिसे तारपीन का तेल भी कहते हैं, तो ये पेंट्स में, वार्निशेस में यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो वेटरनरी की मेडिसिन होती हैं उनमें यूज़ होता है, तो ये और एज अ सोर्स ऑफ वुड है डेफिनेटली, ये जो फायर वुड है और फर्नीचर वुड है उसमें ये यूज़ होता है। तो इसकी ये डिफरेंट सिक्स कैटेगरीज हैं जिनको हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में इसे देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेज हैं। एज अ फूड, सीड्स एंड स्टेम ऑफ साइकस यील्ड सैगो जिसे साबूदाना भी कहते हैं, और ये जो है वो स्टार्च का बहुत बड़ा एक सोर्स है और इसे एडिबल है और इसे खाया भी जाता है। सीड्स ऑफ साइकस पाइनस जेनेटम आर एडिबल, ये भी खाए जाते हैं। यंग लीव्स ऑफ साइकस आर कुक्ड एज वेजिटेबल, साग की तरह उनको पकाया जाता है। ये साइकस यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके जो यंग लीव्स होते हैं वो काफ़ी टेंडर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इस वजह से उनको जो है वो कुक करके एज अ वेजिटेबल भी पकाया जाता है और खाया जाता है। सीड्स एंड स्टेम ऑफ साइकस रेवोलूटा आर यूज टू प्रोड्यूस वाइन, तो ये ड्रिंक या बेवरेजेस प्रोड्यूस करने में भी इसके सीड और स्टेम यूज होते हैं। एंड चलगोजा आप तो इसे वेल अवेयर हैं माशाल्लाह से, और आजकल तो सीज़न भी इसका चल रहा है, तो ये भी जो है वो जिम्नोस्पर्म की जी सब क्लास से यूजेज हैं इनके एज अ फूड। एज अ मेडिसिन देखें तो हम इसे जो वो जिंको हमारा ग्रुप था, जिंको उसमें हम काफ़ी ज़्यादा इसकी मेडिसिन देख चुके हैं जो बॉटम पे आपको नज़र आ रही है। फर्दर इसमें कुछ और एडिशन करते हैं ओवरऑल इसका जिम्नोस्पर्म की क्लास का, तो एफिडरिन दैट इज़ एन एल्कलाइड है, और ये एक्सट्रैक्ट होता है एफिड्रा से, और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन में यूज़ होता है। पिछले दिनों पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी एक इस तरह का केस था, आप जो लोग जो न्यूज़ सुनते रहते हैं
उससे आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। तो एफिडेरिन जो केस था वो इसी जो है वो मेडिसिन के एक्सट्रैक्शन पे था। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कफ एंड कोल्ड। टिंक्चर आर एफिडेराम इज कार्डिक स्टिमुलेंट, इससे टिंक्चर भी बनता है टिंक्चर से, और ये कार्डिक स्टिमुलेंट मतलब हार्ट डिजीज में जो है वो उसको स्टिमुलेट करने में, उसको क्योर करने में यूज़ होता है। टैक्सोल दैट इज एंटी कैंसरस ड्रग, और ये हम टेक्सस से बनाते हैं, बार्क ऑफ द टेक्सस से। जूस ऑफ द लीव्स ऑफ द साइकस यूज फॉर क्योरिंग ब्लड वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग को क्योर करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए साइकस के जो लीव्स होते हैं उनका जो जूस है वो भी यूज़ किया जाता है। पेस्ट एंड सीड्स ऑफ द बार्क ऑफ साइकस मिक्सड विद कोकोनट ऑयल, ये हम जो स्वेलिंग या सोर्स होते हैं स्किन के ऊपर उनकी जो ड्रेसिंग है उसमें यूज़ करते हैं। पेस्ट बना लेते हैं बार्क का, साइकस का और सीड्स का पेस्ट बना के उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके ड्रेसिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑयल्स ऑफ पाइनस सीड इज यूज फॉर वाउंड ड्रेसिंग, ये जो पाइनस होते हैं उनका भी सीड जो है वो इस तरह से उनका जो ऑयल है वो भी यूज़ किया जाता है वाउंड ड्रेसिंग में। टर्पेंटाइन ऑयल यूज फॉर द वेटरनरी मेडिसिन, तारपीन का जो तेल होता है ये मेडिसिन में ये यूज़ होता है जो एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है, अदरवाइज ये दूसरा जो है वो इसमें पेंट और वार्निशेज में भी इसका यूज़ है, जिसको हम ऑयल और इंडस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। एज ऑर्नामेंटल्स, यस ये ऑर्नामेंटल्स के तौर पर इसके डेफिनेटली साइकस पाइनस आपको हर तरफ नज़र आएंगे। ये लीनियर प्लांटेशन होती है, ये जो अलॉन्ग द रोड साइड ये प्लांटेशन इसको कहते हैं लीनियर प्लांटेशन, और ये लीनियर प्लांटेशन है, या फिर ये पाइनस की ट्रीज है यहाँ पे, ये भी ऑर्नामेंटल है। ये साइकस और इस तरह की ये डिफरेंट स्पीशीज आपको जो है वो ऑफिस में और अलॉन्ग द रोड साइड और ये नॉर्दर्न एरियाज में ये सारे एज अ ऑर्नामेंटल आपको दिखाई देते हैं। इन इंडस्ट्री देखें तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में या उनकी जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट उनके यूज़ होते हैं। लाइक टैनन, ये आपको लेदर इंडस्ट्री में लेदर की टैनिंग के लिए, चमड़े को रंगने के लिए यूज़ होते हैं टैनन्स, और ये भी इनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर रेजन्स हैं, ये भी ऑक्सडाइड फॉर्म ऑफ मैनी एसेंशियल ऑयल्स हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, लेकिन जब ये हार्ड हो जाते हैं ग्रेजुअली तो हम इसको जो है वो वार्निशेज में और पेंट्स में इस क्वालिटी की वजह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेटल हो जाते हैं, और ये सेटल होने की वजह से इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, जिस वजह से ये पेंट और वार्निशेज में यूज़ होंगे। ये आल्सो यूज द माइक्रोस्कोपिक माउंटिंग ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड्स की माउंटिंग में मतलब उसको ये ज़्यादा उसको विजिबिलिटी को ज़्यादा कर देते हैं। अम्बर फोसल रेजन ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन, और ये लाइक ये देखें हमने इसमें पढ़ा था, फोसल्स में हमने पढ़ा था कि ये जिस तरह ये यहाँ पे ये राइट साइड पे आ रहे हैं नज़र, तो ये जैसे ये स्कॉर्पियन एक इसके अंदर इंटेंगल हुआ पड़ा है, फंसा पड़ा है, तो ये प्रिजर्व हो गया। या इस तरह से ये जो ब्रेसलेट्स और नेकलेस वगैरह नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे, ये सारे भी इसी तरह से इनके जो अंबर कहते हैं ये यही फोसल जो है वो इसी प्लांट से पाइनस से ऑब्टेन होते हैं, दैट इज द जिम्नोस्पर्म। साइकस के जो लीव्स होते हैं उससे बास्किट, मैट्स, हैट्स, ब्रूम्स, ब्रूम्स मतलब झाड़ू, ये बनाए जाते हैं। स्टफिंग पिल्लोज यानी उसके जो लीव्स होते हैं उनको जो है वो सराहने के अंदर पिल्लोज के अंदर भी उसको जो है वो स्टफ करके यूज़ किया जाता है। वुड ऑफ रेड सीड इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल्स, पेंसिल्स बनाने में, कलरफुल पेंसिल्स बनाने में भी ये यूज होते हैं। टेक्सस वुड इज सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल एंड यूज फॉर मेकिंग बोज, यानी तीर कमान बनाने के लिए ये यूज होती हैं तीर के कमान, और ये यहाँ पे ये बॉटम पे ये पिक्चर में भी आपको दिखाया गया। बाक्स ऑफ जेनेटम इज यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट, फिशिंग नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फाइब्रस होती है और काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर जाती है, लाइफ इसकी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसे फिशिंग नेट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। पाइनस, पीसिया एंड एबिस और क्रिप्टोमेरिया ईटीसी, ये जो यूज़ होते हैं इन पेपर इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली ये पल्पी जो होते हैं ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। लास्ट में इसके ऑयल और वुड के डिफरेंट सोर्सेज हैं, ये और जिम्नोस्पर्म जिस वजह से ये
डिफरेंट ऑयल और वुड इंडस्ट्री में यूज है इनके. ऑयल फ्रॉम द सीड ऑफ साइकस माइनस आर यूज एज एडिबल ऑयल. ऑयल फ्रॉम द रेड सीडर एंड जूनिपर्स इज यूज फॉर क्लीनिंग माइक्रोस्कोपिक प्रेपरेशन. ऑयल फ्रॉम सीड्रस ड्यूरा इज यूज इन परफ्यूम्स. ये फ्रेग्रेंट होते हैं जिस वजह से ये परफ्यूम्स में भी यूज़ होते हैं. टर्मेंटीन ऑयल यूज फॉर पेंटिंग. ये पेंटिंग में भी, ये डेफिनेटली पेंटिंग में और मेडिसिन में हम इसका यूज़ देख चुके. इसकी जो वुड होती है उसे यूज़ करते हैं बिकॉज वुड जो होती है वो लाइट इन कलर होती है, लाइट इन वेट होती है, गेट्स गुड पेंट, बियर नेल्स फिमली. इनमें जो नेल कील वगैरह ठोंकने में बहुत आसान होते हैं, आसानी से इसके अंदर और फिमली मतलब काफ़ी मजबूती से लग जाते हैं इसमें. गिव्स गुड फिनिशिंग. जब इसके हम पॉलिशिंग फिनिशिंग करते हैं तो ये अच्छी लुक देता है. और सेंटेड भी होती है जिसकी वजह से ये फंगस और इंसेक्ट को रिजिस्ट करती है और ये मतलब उनको जो है वो खाते नहीं है या इनको वो जो है उसमें नहीं लगते, जिस वजह से ये ज़्यादा लाइफ इसकी ज़्यादा होती है. वुड ऑफ पाइन्स एंड सीडर इज यूज फॉर डोर फर्नीचर पोल्स बोर्ड्स रेलवे वैगन फ्लोरिंग. जो उनके फ्लोर में लकड़ी यूज़ होती है उसको बनाने के लिए उसमें भी ये यूज़ होते हैं. पोडोकार्पस एंड फिर जो है वो सोर्सेज ऑफ प्लाईवुड. प्लाईवुड के दरवाजे होते हैं, विंडोज़ होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, डेफिनेटली आपको पता है. हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क में भी ये यूज़ होते हैं लाइक रेलवे स्लीपर. ये जो रेलवे के ये जो लाइन होती है इसके जो नीचे ये वाले ये जो वुड लगी होती है इसको कहते हैं रेलवे स्लीपर. तो ये पोडोकार्पस या फिर के जो प्लांट्स होते हैं वो रेलवे स्लीपर बनाने में भी यूज़ होते हैं. थैंक यू सो मच बेटा.